गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। अमितोज जी सर। यस मैम। अमितोज, अमनप्रीत एंड मनकीरत इज हियर। मनकीरत, गुड मॉर्निंग मैम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Anyhow, please be prepared. और क्लास अटेंड किया करो, ठीक है बेटा? उसके अलावा थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एज यू नो ऑल नो दैट इन द नेक्स्ट मंथ यू हैव अ टर्मिनल टेस्ट, ठीक है? हमने कल चैप्टर खत्म किया था, दैट वॉज रिगार्डिंग अ टेस्ट मेजरमेंट्स, ठीक है? इसके बारे में हमने कल हमने टेस्ट मेजरमेंट के चैप्टर खत्म किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग रिगार्डिंग ए ट्रैक एंड फील्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपके गेम्स फाइल बनाने को दी हुई है ना बेटा, जो आपकी रिगार्डिंग योर ऑप्शन या ऑप्टेड गेम। तो थोड़ा बहुत लेट अस नो अबाउट द ट्रैक एंड फील्ड। पीछे अभी पिछले हफ्ते ही ओलंपिक्स वगैरह होकर हटे हैं, उनके देखा था, उनकी रिपोर्ट बनाई है बेटा, थोड़ा बहुत वॉच किया था, कोई भी मैच कोई एक्टिविटी देखी थी उसकी? एनी वन ऑफ यू, I want to answer from your side, beta. No, it means nothing. Why so? इतने interesting match थे and regarding your subject also कि हमें पता तो चले कि क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं किया, busy in some other way. ठीक है, चलो let's do something regarding track and field. आज आपसे क्वेश्चनिंग ही होगी थोड़ी सी और कुछ बातें होंगी पहले, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिगार्डिंग फिजियोलॉजी इन अ नेक्स्ट वीक। सो टुडे वी विल डू समथिंग रिगार्डिंग ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक में टोटल लाइन लेंस कितनी होती है बेटा? एनी वन ऑफ यू, लेन एंड लाइन। ओके, अदिति है बेटे, अमितोज गुड, फोर्थ रैंक आया है। पहले किस पोजीशन पर चल रही थी वो तीन दिन तक लगातार? आपने लिखा है ना, अभी मैसेज किया है कि अदिति अशोक ने फोर्थ ली है पोजीशन गोल्फ में। पहले का उसका मैच लिखा है, कॉन्टिन्यूस जो उसने मैच किया है तीन दिन तक, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसकी कंसिस्टेंसी थी, वो सेकेंड और थर्ड पे ही चल रही थी, पर लास्ट है उसका थोड़ा सा मिस होने के कारण She got the fourth position. ठीक है, और किसके बारे में किया है, और किसके बारे में देखा है? गोल्फ का देखा है, और क्या देखा है बेटा आपने? और कोई देखा है मैच? नहीं देखा। चलो एनी हाउ लेट अस मूव टू द ट्रैक एंड फील्ड। ये नॉलेज भी आपको होनी बहुत जरूरी है बींग अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स। ये लास्ट ईयर भी थोड़ा करवाया था हमने कि ट्रैक में कितनी लेंस होती हैं and what is track? Can anyone answer what is track? Track किसको कहते हैं बेटा? अमरप्रीत आप बताओ बेटा, unmute yourself and tell me what is track? The path where the athlete runs, that is a track. जहां पर एथलीट रन करता है, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? That is a track. This is the way running करनी है इसके आसपास। ये क्या है? ये track है, रास्ता है जिस पर जो runners हैं, ठीक है ना, sprinters हैं या short distance races, middle distance races के या relay race के या hurdles के जो athlete होते हैं वो इसमें run करते हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है, नीरज चोपड़ा got a first position, that's right. ट्रैक में क्या क्या कौन कौन सी होती है बेटे, इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं?
ट्रैक में स्प्रिंट्स हैं और शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, 400 भी लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिडिल, मिडिल में कौन सी रेसेस होती हैं, 800, 1500, उससे नेक्स्ट जो है दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, इंक्लूड्स क्रॉस 20 रेस, मैराथन्स एंड ऑल। ठीक है बेटा, अब आपने जरूर वहां पर यह भी सुना होगा कि कई एथलीट्स ने चार चार गोल्ड मेडल या दो गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल लिया है, तो वो कौन सी ऐसी गेम्स होती हैं या ऐसे इवेंट्स कौन से होते हैं जहां पर जो ऐसे एथलीट हैं वो कंटिन्यू लेते हैं। इसके अंडर आता है बेटे एक वर्ड है डिकैथलन, डिकैथलन। ठीक है, डिकैथलन में क्या होता है, 10 इवेंट्स होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है 10 इवेंट्स होते हैं, और वो 10 इवेंट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं। कैन एनीवन टेल कि वो डिकैथलन में 10 इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? 10 इवेंट्स हैं 100 मीटर, मेन के लिए बेटा, ठीक है ना, 100 मीटर है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट होता है, ठीक है बेटा, उसके बाद हाई जंप है, फोर हंड्रेड मीटर्स होते हैं, हाँ, उसके बाद है हर्डल्स होती हैं, 110 मीटर की हर्डल्स हैं, ठीक है ना, 10-10 के डिस्टेंस में लगाई हुई होती हैं हर्डल्स, टेक्निक के साथ जंप लगाने होते हैं, ठीक है, देन डिस्कस थ्रो इज देयर, डिस्कस थ्रो में हमारे कौन गया था गर्ल्स में से, किसका नाम आता है डिस्कस थ्रो में, इस ओलंपिक में किसने अपनी परफॉर्मेंस दी है, कमलजीत कौर ने, ठीक है ना बेटा, नो डाउट कि क्वालिफाई करने में उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज शी हैज डन, देन पोल वॉल्ट इज देयर, ये सारी चीजें क्या है बेटा, जैवलिन थ्रो, यहाँ पे लिख देती हूँ, देन 1500 मीटर्स, ये सारे आते हैं डिकैथलन में, जो ये कंप्राइसिस गेम्स जो होती हैं बेटा ये 2 दिनों में खेली जाती हैं, ठीक है बेटा, इन्हें 2 दिनों में खेला जाता है या इवेंट्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है जो जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स हैं उसके 3-3 अटेम्प्ट होते हैं, करेक्ट अटेम्प्ट्स जो हैं वो 3-3 होते हैं बच्चे, ठीक है, और जो रनिंग है उसमें नॉर्मली अगर ज्यादा मेंबर्स हो तो उसमें हीट करवाई जाती है या प्रिलिमिनरी राउंड्स हम कह सकते हैं। हीट्स आपको पता है, आपको बताया हुआ है व्हाट इज हीट, व्हेन अ मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आर देयर तो उन्हें ग्रुप में डिवाइड करके उनकी अटेम्प्ट्स ली जाती हैं और उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे उस दिन रिले रेस में दिखाया गया था जो फाइनल का हुआ था, ठीक है ना, उसमें से बेस्ट परफॉर्मर्स जो थे वो उन्होंने निकाल लिए थे, 2 ग्रुप बनाए थे और उसमें से बेस्ट जो ले लिए थे वो फाइनल राउंड के लिए चले गए थे, ठीक है। रनिंग में हीट होती है, इनमें अटेम्प्ट्स 3 नहीं होते, और अगर 3 अटेम्प्ट्स में भी थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स में अगर डिस्क्वालीफाई या फिर अटेम्प्ट रॉन्ग हो तो उसे और चांस मिलता है, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे थे डिकैथलन के, तो उसमें है 10 इवेंट्स बेटा, ठीक है, उसके बाद एक आता है हेप्थलिन, ठीक है, एक होता है डिकैथलन जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं और 2 दिनों में होता है, एक हेप्थलिन होता है, जो डिकैथलन होता है वह नॉर्मली किसके लिए होता है बेटे, दैट इज फॉर द मेन, वो किसके लिए होता है, मेन्स के लिए होता है, और जो हेप्थलिन होता है
दैट इज मोस्ट फॉर द विमेन. इसमें क्या होता है बेटे, 7 इवेंट्स होते हैं. जैसे ये 10 इवेंट्स इन 2 डेज है, इन द सेम वे फॉर द विमेन्स 7 इवेंट्स इन अ दे हैव टू कंप्लीट इन फॉर 2 डेज. वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 100 मीटर की हर्डल्स हो गई, ठीक है ना, उसके बाद हाई जंप है, देन शॉर्ट पुट है, देन लॉन्ग जंप इज देयर, देन जैवलिन थ्रो इज देयर. जैवलिन थ्रो आपको पता चल गया आपकी जैवलिन थ्रो क्या स्टाइल कौन सा होता है, और उसके स्ट्रेच लाइन है, उसकी विड्थ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ओनली दैट विड्थ इज ऑफ 7 सेंटीमीटर, बाकी सारी 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना बेटा, हमने ये चीज पढ़ी हुई है. उसके बाद है 800 मीटर की रेस होती है विमेन्स के लिए, ठीक है बेटा. अब रिले रेस देखी थी आपने, रिले रेस कितने, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं बेटा, टीम वर्क होता है ना. एक ऐसा ही ट्रैक का ये ऐसा इवेंट है जिसमें टीम वर्क होता है. वो जो रिले रेस है दैट इज ऑफ अ 4 एथलीट्स, ठीक है, 4x100 मीटर की होती है, एक 4x400 मीटर की होती है, ठीक है बेटा. 4x100 में का मतलब है ट्रैक जो है हमारा वो 400 मीटर का होता है. उसमें हमने 100-100 मीटर के डिस्टेंसेस पर एथलीट्स जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, और जो स्टार्टर होता है उसके हाथ में बैटन होता है, ठीक है, और ऑफिशियल के गो बोलने पर या रेफरी के, दे स्टार्ट रनिंग ऑन देयर ट्रैक, और जो नेक्स्ट पार्टनर है उनका या नेक्स्ट एथलीट है जो उनका कंटेस्टेंट है उसे वो बैटन उसने पकड़ाना होता है. अब बैटन पकड़ाने का एरिया जो है दैट इज कॉल्ड अ एक्सचेंजिंग जोन और अ चेंजिंग जोन, ठीक है. ये नॉर्मली 20-25 मीटर का होता है, ठीक है, या एथलीट पीछे थोड़ा जाकर अपने कंटेस्टेंट से ले सकता है, अपनी टीम के एथलीट से ले सकता है, या थोड़ा सा मोमेंटम बना लेता है बॉडी का और जो पीछे से आने वाला है वो थोड़ा आगे जाकर उसको क्या कर देता है, उसे वो बैटन पकड़ाकर या पास कर देता है, और वो रनर नेक्स्ट जो है वो रनिंग करता हुआ नेक्स्ट के पास चला जाता है. इन द सेम वे एक्सचेंजिंग जोन आर देयर. एक्सचेंजिंग जोन क्या है, वेयर द बैटन्स आर एक्सचेंज एंड द एरिया इज 20-25 मीटर्स. अब इसमें जो है थर्ड पर्सन होता जो है रिले रेस में जो लास्ट, ठीक है ना, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, सेकंड को दिया, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया, और फोर्थ ने रेस कंप्लीट करनी है, तो हम उसे एक और वर्ड से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एंकर. द लास्ट एथलीट और अ पर्सन, समझ में आया बेटे, लास्ट एथलीट और अ पर्सन जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंकर बोलते हैं. क्लियर टू ऑल, इतनी बात समझ में आ गई बेटा. हाँ जी आप बोलो, इट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा. नाउ लेट अस कंफर्म द नेक्स्ट थिंग. आपने पेकिंग वर्ड सुना होगा या जैवलिन थ्रो जो अभी लिखा है अमितोष ने कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का फर्स्ट प्राइज आया है. हैव यू सीन द वे दोस पर्संस हैव थ्रोन द जैवलिन. जैवलिन जो है वो हाइपर पैराबोला या पैराबोला बनाकर जमीन में गड़ जाता था, और उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैकिंग, ठीक है. अगर वो जमीन में नहीं डिग होता है या स्लांट हो जाता है तो उसे अटेम्प्ट नहीं माना जाता है दोबारा, और डिस्क्वालिफाइड की पोजीशन है. अगर अपने सेक्टर से बाहर निकल जाए, थ्रोइंग सेक्टर्स जो बने होते हैं उनसे बाहर वो इक्विपमेंट्स निकल जाए तभी भी डिस्क्वालिफाई होता है. थर्ड कंडीशन, व्हेन अ कंटेस्टेंट क्रॉस द स्टॉप बोर्ड और अ स्क्रैच लाइन देन ऑल्सो इट इज डिस्क्वालिफाइड. चाहे उन्होंने कितनी भी आगे तक का परफॉर्मेंस ली हो या बेस्ट परफॉर्मेंस ली हो, लेकिन अगर वो इम्बैलेंस होकर या बाय चांस या बाय मिस्टेक वो आगे की तरफ से या स्क्रैच लाइन को क्रॉस करते हैं स्पेशली इन जैवलिन थ्रो, तो क्या होता है, वो डिस्क्वालिफाई होते हैं, और इनमें जो नो डाउन होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है
जिनकी भी थ्रोअर्स में होती है। अब थ्रो कौन कौन से हैं तुम्हें पता है आसानी से? कैन एनीवन टेल थ्रो कौन कौन से हैं बेटा? नो नो आंसर। मनकीरत आप बताओ बेटा। अमर यू कैन टेल बेटा। अमरप्रीत आप बता सकते हो बेटा? फॉर ऑल दोज हु आर प्रेजेंट इन क्लास एंड इन द ऑनलाइन, थ्रोस कौन कौन से हैं? शॉर्ट पुट थ्रो है बेटा, ठीक है ना, पटिंग द शॉर्ट है, हैमर थ्रो इज देयर, डिस्कस थ्रो इज देयर, जैवलिन थ्रो इज देयर, और ये फील्ड के इवेंट्स हैं। जंपिंग में कौन कौन से आते हैं? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, ठीक है, पोल वॉल्ट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये जंपिंग इवेंट्स होते हैं एंड दीज कम्स अंडर द फील्ड इवेंट्स। और इसके बारे में बताया था, ट्रैक इज टू फाइट अगेंस्ट डिस्टेंस, सॉरी फाइट अगेंस्ट टाइम, एंड थ्रोज आर फाइट अगेंस्ट डिस्टेंस। करवाया था ना बेटे, थोड़ा बहुत तो फ्रेशनेस सिखाओ, इसे कंटिन्यू हम ताकि कर सकें। लैप क्या होती है बेटा? व्हाट इज लैप? व्हाट इज लैप? नो आंसर। Completion of one round of a track is called a lap. 400 meter का एक पूरा चक्कर लगाना जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम lap कहते हैं। ठीक है बेटा? This much is clear to you all? ये जनरल चीजें हैं बेटे जो मैं आपको बता रही हूँ। ये ट्रैक की बहुत ही आम चीजें हैं जो हमें सबको, जो फिजिकल एजुकेशन का या जनरली भी, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज देयर, ठीक है, हम इसके आगे करते हैं जो मैंने तुम्हें स्टार्ट में किया था। ट्रैक लेन्स कौन सी होती हैं और लाइंस क्या होती हैं? व्हाट इज ट्रैक लेन्स एंड लाइंस? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ लेन एंड अ लाइन? हाँ जी बच्चे बोलो, लाइन और लेन में क्या डिफरेंस है? लेन वेयर द एथलीट रन्स एंड लाइन विच डिवाइड्स द लेन, ठीक है ना, लाइन वो है जो लेन को डिवाइड करती है। द वेथ ऑफ लाइन इज 1.22 और 1.25 मीटर्स, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो होती हैं उसमें जो एथलीट है उसको अपने ही ट्रैक में या अपने ही लेन में रन करना पड़ता है। ही इज नॉट सपोज टू, और एथलीट इज नॉट सपोज टू चेंज द लेन, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस में 400 के बाद वो अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई है? शुड वी मूव फॉरवर्ड? आगे चले बेटा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, स्प्रिंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो हैं, मिडल डिस्टेंस रेसेस जो हैं उनके बारे में, हेप्थलिन क्या है, 7 इवेंट्स हैं, डिकैथलिन जो है वो 10 इवेंट्स का होता है, ठीक है, और उसके बाद है फॉल्स स्टार्ट क्या होता है, क्योंकि अगर हम स्प्रिंट करते हैं तो फॉल्स स्टार्ट क्या होगा? किसे कहेंगे फॉल्स स्टार्ट? फॉल्स का मतलब गलत, स्टार्ट बिफोर द विसल, बिफोर द क्लैपिंग, बिफोर सेइंग गो, व्हेन अ एथलीट क्रॉस द स्टार्ट लाइन, दैट इज अ फॉल्स स्टार्ट, ठीक है, इसका हर्जाना देना पड़ता है उसे। इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, शुड वी मूव फॉरवर्ड? फॉल स्टार्ट हो गया है, उसके बाद एक आता है आपका, वेट लेट मी टेल यू, ट्रैक एंड यस, एथलीट और एथलेटिक्स में क्या फर्क है? हु इज एथलीट एंड व्हाट इज एथलेटिक्स? एथलेटिक्स क्या होते हैं और एथलीट कौन होता है? बड़ा इजी है बेटा। व्हाट इज एथलेटिक्स? इट इज कंप्राइजेस ऑफ थ्रोइंग, थ्रोइंग इवेंट है ना बेटा, थ्रोइंग इवेंट है, जंपिंग इवेंट है और रनिंग इवेंट है। इन्हें हम गेम्स नहीं बोलते कभी भी, ये गेम के अंडर नहीं आते हैं, ये किसके अंडर आते हैं? ये हमारे एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम एथलेटिक इवेंट्स बोलते हैं। ये
एथलेटिक इवेंट्स है, ना कि ये गेम्स है, ठीक है। और एथलेटिक्स है, एथलीट कौन है? दोज हू पार्टिसिपेट इन दिस थ्रोइंग जंपिंग एंड रनिंग इवेंट, दैट इज कॉल्ड अ एथलीट।